हाँ ठीक है। यम वैदिका मंत्र दश पुराणा इंद्रम यमम मातरिश्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचम् यम वैष्णवावीशुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बोध जैना सत्श्री अकालेति तसिक्क संता सास्तेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीश सितारम् स एक एव प्रभुर द्वितीय। नमस्कार सभी को। आज हम 15वां अध्याय कर रहे हैं। 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। यह सबसे छोटा अध्याय है। 12वां अध्याय भी है, 12 चैप्टर। और जब जब चाहते हैं कि गीता पढ़नी है, याद करनी है, तो ऐसा कहते हैं कि पहले 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी कहते हैं किसी की मृत्यु होने के बाद में इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। After the death, the people, the priest normally chant the 15th chapter. ये 15वां अध्याय की और एक स्पेशलिटी है कि इस अध्याय के खूब सारे जो रेफरेंसेस है उपनिषद में से लाए हैं, मिलते हैं। और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। जैसे अभी पिछले महीने में पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास था, उस अधिक मास में ऐसा कहते हैं, बिकॉज नाम समान है, इसलिए उस समय पुरुषोत्तम योग होने के कारण 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए। जब 15वां अध्याय के में खूब सारे धार्मिक रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस उसको मिला हुआ है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस उसको मिला हुआ है, लेकिन अपने लिए अध्याय समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना सुंदर यह अध्याय है कि अगर हम गीता को समझना हो तो यह अध्याय को हम समझ सकते हैं पूरा, क्योंकि छोटा है और एक एक अध्याय के सारे श्लोक जो है इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं कि लगभग हम पूरा अध्याय ही आज पूरा करेंगे ऐसा लगता है। शुरुआत करेंगे पहले श्लोक से। हम ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित्। ऐसी कल्पना की है कि यह जो संसार है, यह जो विश्व है, यूनिवर्स है, यह एक ट्री है, एक बड़ा वृक्ष है, उसका नाम रखे अश्वत्थ। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थ नाम का वृक्ष था, वृक्ष है, जो यह समुद्र मंथन के समय निकला था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल वृक्ष जो होता है या वट वृक्ष है, उसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। यह जो अश्वत्थ वृक्ष है, यह पूरा विश्व है। अभी आपको पता होगा कि किसी वृक्ष के सामान्य बातें हैं कि जो रूट्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जो ब्रांचेस होती है वो ऊपर होती है। इसका लेकिन उल्टा है, ऊर्ध्व मूलम, उसके जो मूल है, उसके जो रूट्स है वो ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है। और अधशाखम मतलब उसके जो शाखा, शाखा मतलब ब्रांचेस, वो शाखा है उसके नीचे है। ऐसा अव्ययम इम्पेरिशेबल हमेशा जो रहेगा, ऐसा यह वृक्ष है। मतलब हमेशा ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, ये हमेशा रहा है। देयर इज नो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, द यूनिवर्स ऑलवेज देयर, नथिंग इज चेंज्ड। And that's why the universe avyayam, उसको क्या है, इसको छंदांसि यस्य परिणामी,
उसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स है, वह है छंद। छंद मतलब वेद। वेदों के द्वारा, जैसे किसी भी वृक्ष को, किसी भी ट्री को, उसके जो लीव्स होते हैं उसके द्वारा सारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा नरिशमेंट मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता है। और उसके वैसा ही छंदांसि यस्य पर्णानि यह तम वेद सवेदवित, वह जिसको वह उसको वो जो जानता है वह जा सब कुछ जानता है। तो इस दुनिया को जानने के लिए, इस दुनिया ऐसा वृक्ष है कि जिसकी रूट्स ऊपर है और यह नीचे है, और मुख्य रूप से ऐसा कहते हैं कि उसकी जो पर्ण है, वृक्ष है, वह भी उसके वृक्ष, उसके पर्ण, उसके पत्तियां, यह पत्तियां छंद है, वेद है। दूसरे श्लोक में जाएंगे। अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसंततानि, अधश्च मूलान्यनुसंततानि, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा। प्रसृता मतलब है बढ़ी हुई है, उसकी शाखा है ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि जो वटवृक्ष होती हैं, जो बनियन ट्री होता है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं कुछ ऊपर की ओर जाते हैं, कुछ नीचे की ओर जाते हैं। गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः, उसकी जो बड्स है, उसकी जो कलियां है, वो कलियां भी गुण से निर्माण हुई है। गुण मतलब कौन? सत्व रज तम, ये उसके द्वारा यह होता है। और मूलानि अनुसंततानि, और जो मूल है, जो रूट्स है, वो और भी बढ़ते गए हैं। क्यों? कर्मानुबंधी ही, बिकॉज ऑफ योर कर्म, हमारे जो कर्म है वो कर्मों के कारण इसके जो रूट्स है वो और बढ़ते 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 जाते हैं, पता नहीं चलता कि अब ये कहाँ रुके, कहाँ तक वो पहुंचे। इसलिए अधाच ऊर्ध्वम प्रसृताः तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, ऐसा वृक्ष वो है। इसलिए जो वृक्ष होता है उसके संबंध में यह पूरा कहा है। तीसरा श्लोक देखेंगे तो पूरे वृक्ष का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा हो जाएगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, रूपम् अस्य इह उपलभ्यते। उसका जो न रूप अस्य, उसका जो रूप है वह मिलता नहीं है। We cannot see the रूप of this one। उसका रूप नहीं मिलता है और उसके कारण न आदि न अंत न प्रतिष्ठा। ये जो वृक्ष है, यह वृक्ष इतना बड़ा है कि कैसे उसको कोई फॉर्म है क्या? वैसा भी फॉर्म दिखता नहीं है। उसकी आदि, उसकी शुरुआत है क्या? वह दिखती नहीं है। अंत वह भी नहीं दिखता है। तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ यह वर्ल्ड ही मुख्य रूप से यह वृक्ष है। ये जो वृक्ष है, यह जो ट्री है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं, उसका स्टार्टिंग नहीं, उसका एंडिंग नहीं, को तोड़ोगे कैसे? असंग शस्त्रेण, जो वेपन चाहिए
जो कुल्हाड़ी चाहिए, एक्स चाहिए, उसका नाम है असंग। असंग मतलब होता है डिटैचमेंट। जब उससे डिटैच हो जाएंगे देन दैट एंटायर वृक्ष एंटायर ट्री विल बी कोलैप्स्ड। सारा जो ट्री होगा वो कोलैप्स्ड होगा क्योंकि उसका असंग शस्त्र है ना, असंग के कारण। अभी जो वृक्ष है इसके वृक्ष की कल्पना पूरे पुरुषोत्तम योग में बताइए। अभी हम ध्यान में रखेंगे कि ये वृक्ष है क्या। अभी कल्पना करो कि हमारा शुरुआत कहां से हुई, तो हम ब्रह्म से निकले हैं। ब्रह्म इज अ वन विच इज अनमैनिफेस्टेड। ब्रह्म कहां है, तो ब्रह्म सब जगह पे है। और जितना 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 ब्रह्म सब जगह पे होगा उतना ऊपर होगा, वहां से हम निर्माण हुए हैं। तो पहले डेवलप हुआ ईगो, कॉन्शियसनेस, बुद्धि, ये फर्स्ट क्रिएशन है। ईगो मतलब क्या है, मैं हूं। यू इमेजिन एनीथिंग फर्स्ट। अगर आपको कुछ भी डेवलप करना हो, कुछ भी क्रिएट करना हो, तो पहले देखना पड़ता है वन थिंग, आई एम। अगर मैं नहीं हूं तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे रोटी भी बनानी हो तो पहले रोटी बनाने के लिए होना चाहिए मैं हूं, मैं रोटी बनाऊंगा, मैं आवश्यक है। फिर रोटी बनाने का मन में विचार आता है। दिस इज दी प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। उसी प्रकार से पूरा यूनिवर्स जो बना वो बना मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। उसके बाद में थॉट आया कि मैं कुछ कर सकता हूं, बुद्धि आई, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो उसके बाद में तीसरी बात है तीन गुना बड़, छोटे छोटे निर्माण हुए, एंड आफ्टर दैट वन ऑल द एंटायर क्रिएशन स्टार्ट। और जैसे जैसे वो क्रिएशन डेवलप हुआ, वो क्रिएशन डेवलप हुआ, वो हेवी था, जड़ था। हेवी को जड़ बोलते हैं। और आपको पता होगा जो जो हेवी रहता है तो नीचे नीचे चला जाता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर ऊपर आता है। जैसे लाइट एयर है वो ऊपर जाती है, हेवी एयर नीचे आती है। जो लाइट वस्तु है वो ऊपर जाएगी, हेवी नीचे आएगी। और इसलिए जो मूल है, रूट्स है, वह ब्रह्म है, वो ऊपर है। और जितना जितना उसका जो जड़ है, जो हेवी है, सारा जो वर्ल्ड है, वह दुनिया नीचे नीचे आती है। इसलिए उसकी शाखा है नीचे। कितनी ब्रांचेस है, कितने भी ब्रांचेस हो सकते। जैसे मैं हूं, मेरा तीन गुण हो गए, वो तीनों के गुणों के कॉम्बिनेशन में खूब सारी बातें हो गई। फिर मुझे मन है, मेरी बुद्धि है, फिर मेरे सेंसेस है। बिकॉज ऑफ दिस फाइव सेंसेस एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट आई कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। जितने जितनी बातें मैं सोचता हूँ उतनी उतनी मेरी शाखा है, जितनी बातें मैं देखता हूँ उतनी उसकी शाखा है। इसलिए उसकी जो ब्रांचेस है, पूरा वर्ल्ड जो है उसकी ब्रांचेस है। और आपको पता होगा कि जितनी जितनी बातें हम देखते हैं उतना उतना वो, उसका कोई लिमिट नहीं, अपने सोचने का, अपने थिंकिंग का कोई लिमिट नहीं, उसका कोई आदि नहीं, उसका अंत भी नहीं। ये कब शुरू हुआ मालूम नहीं, कब गया मालूम नहीं, न प्रतिष्ठा, उसका कोई सेटलमेंट भी नहीं। एक जगह पे अपना थॉट प्रोसेस रहती नहीं, एक दुनिया, एक जगह पे पूरी वर्ल्ड रहता नहीं है, ऑलवेज मूविंग। इसलिए ये जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, यह ऐसा वृक्ष है जिसके रूट्स ऊपर है, ये सब नीचे है, रूट उसके शाखाएं नीचे है, और ये फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। और जितने जितने वो फैलता रहेगा उतना उतना उसको हमको समझने में कठिन जाएगा। और उसको तोड़ना कैसे, उससे दूर कैसे जाना, एक ही काम है, उस वर्ल्ड के साथ में डिटैच होना चाहिए। और डिटैचमेंट का अर्थ होता है कि कंप्लीटली यू डू नॉट कंसिडर इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमारा ध्यान अलग ही रहता है, वो ब्रश की तरफ नहीं रहता, वो ब्रश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करते रहते हैं। जैसे ब्रश करेंगे, जैसे नहाएंगे, वैसे किसी का काम करेंगे, सेम लेवल के ऊपर हम काम करें, इसको बोलते डिटैचमेंट। सो डूइंग ऑल दोस थिंग्स, जितने डिटैच भाव से करेंगे उतना वो सारा वृक्ष ये कम हो जाएगा। एक बार ऐसे साधु ने किसी ने कहा था कि मुझे किसी को उसने कहा था अपने गुरु को कि मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता, आई कैन नॉट कंसेंट्रेट। तो गुरु ने कहा कि आप ऐसा करो
कि जब भी आप करोगे मेडिटेशन बैठोगे तो थिंक ऑफ अ मंकी, बंदर का ध्यान रखो और आपके मन में बंदर आना चाहिए, बंदर आना चाहिए मेडिटेशन के समय। और वो बैठा और जैसे बैठा तो उसको घर का याद रखा कि गुरु ने क्या कहा, गुरु जी ने बंदर का याद रखो, तो बंदर का याद रखा। अरे बंदर, फिर और को सोचने लगा आपने, मैंने कल क्या किया था, अरे गुरु जी ने बंदर का याद कहा तो बंदर का याद रहा। ऐसे 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 वानर वानर का याद करते करते वहां चला गया, नर बच गया और ऐसे उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो सारी दुनिया से डिटैच होते 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 एक को कॉन्सेंट्रेट करते। जितना हम डिटैच होंगे उतना उतना उसके हम साथ हमारा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। इसे डिटैचमेंट के साथ में दृढ़े न पक्का कठोर चित्वा तोड़कर, ऐसा हमको उस वृक्ष को तोड़ना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इस पूरे 15वें अध्याय के पहले 3 श्लोक में यह 30 प्रकार के बात की है। अभी हम श्लोक नंबर 8वां देखेंगे। श्लोक नंबर 8, शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस श्लोक कहता है शरीरम यत अवाप्नोति, जो जो हमको शरीर मिला हुआ है वह यच्च अपि उत्क्रामति, और जो शरीर चला जाता है, तो जीवात्मा जो होता है, हम जो होते हैं, हमको एक बॉडी मिली हुई है और वह बाद में बॉडी दूसरे बॉडी में चली जाती है, हम दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। ये तो वो सुना होगा हमने कि पुनर्जन्म होता है, हमने ये भी सुना होगा कि हम एक जन्म खत्म होने के बाद में दूसरा जन्म में चले जाते हैं। ये क्या होता है? तो यह होता है हम एक ही है, हम वही है, केवल हमारे हमारे इर्द गिर्द में जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हम कपड़े चेंज करते हैं। आज हमने भारतीय कपड़े पहने भारतीय बन गए, वेस्टर्न पहने तो वेस्टर्न हो गए, रात के पहने तो हम सोने के लिए नाइट ड्रेस हो गया, वो खेलने के तो खेलने का ड्रेस हो गया। जैसे कपड़े बदलते हैं अंदर का आदमी वही रहता है, उसी प्रकार से मैं अंदर का वही रहता हूं, केवल कपड़े बदलता हूं, वैसे मैं बॉडीज को चेंज करता हूं। तो जिस प्रकार से मैं कोई बॉडी लेता हूं या किसी बॉडी को छोड़ता हूं, यह कैसा होता है? तो यह ऐसा सहजता से होता है, लेकिन जो कर होता है तो कुछ ना कुछ हम साथ में ले जाते हैं, समथिंग वी कैरी फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, उसके विकार, समथिंग वी कैरी फॉरवर्ड, उसको बोलते हैं कर्म ले जाते हैं। तो जो जो कुछ हमने किया, अगर मैंने हाथ हिलाया, किसी को कुछ बोला, किसी को गुस्सा किया, किसी पर प्रेम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, जो भी करोगे उसके जो इंप्रेशंस है वो इंप्रेशंस हमारे साथ रहेंगे। मतलब किसके साथ रहेंगे? तो मेरी जो आउटर बॉडी है, जो अंदर है, जो मन बुद्धि है, उसमें रहेगी, उसके साथ साथ में आगे चला जाता। जैसे मैं बैगेज है मेरे पास में, वो बैग में कुछ ना कुछ सामान भरा रहता है सैक में, और वो सैक लेकर मैं दूसरे जन्म में जाता हूं, वो भूलता नहीं। ये कैसे होता है? वायु गंध गंधान इव आशयात, जब हवा है, विंड है, वो एक फूल से एक फ्रेग्रेंस लेती है, कुछ मकरंद लेती है, पोलन ग्रेंस लेती है, वो गंध को फॉलो कैरी ऑन करती है और अपने पास में पहुंच जाती है। लाइक द विंड कैरीज द ऑल द फ्रेग्रेंस स्मेल विथ विंड, उसी प्रकार से जीवात्मा सारे जो कर्म है उसको फॉलो करता है। इसलिए वॉट एवर वी डू आर नॉट गोइंग टू फिनिश, दे विल कैरी फॉरवर्ड विथ मी, इवन with a small thing we will give up. ऐसा आपको पता होगा कि एक बार हमने देखा था
कि जब हम सुबह उठते हैं अच्छी नींद आती है और अच्छी स्लीप होने के बाद जब सुबह उठेंगे तो चेक कर लेना कि वही बॉडी है ना हमारी जो कल थी। अगर वही बॉडी है तो बोलना गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम बोलना। और हम जागे हो गए ध्यान कि अरे बॉडी बदल गई हमारी, अलग ही बॉडी आ गई, तो बोलना हैप्पी बर्थडे, नया जन्म हो गया। इतना सिंपल काम। इसलिए केवल हम वही रहेंगे, हम केवल बनेंगे। एक मराठी में नामदेव का अभंग है, वैसा कहते हैं कि काल देहासी आला खाओ, जो काल है वह इस शरीर को खाने के लिए आता है, तो मैं क्या करता हूं, आमी आनंदे नाचू गाओ, मैं आनंद से नाचता हूं और गाता हूं, क्योंकि चलो बढ़िया, एक बेकार का जो पुराना कपड़ा था, शरीर था, वो चला जाएगा, एक नया शरीर में मैं आऊंगा, तो मैं आनंद के साथ नाचता हूँ गाता हूँ, क्योंकि ये जो शरीर है ये चला जाएगा तो और भी अच्छा होगा। जैसे भंगार होते हमारे पुराने जो चले जाते तो कि बला टल गई, वैसे मैं अंदर से आनंद हो जाता हूँ, चलो चलो भैया ये चला जाएगा, और वो जो चला जाता है वह बाद में मैं क्या करूंगा, वो जो शरीर चला गया उस शरीर ने जो कुछ किया उसको मैं आगे ले जाता हूं। वो शरीर भी बढ़िया, वो बोलता है कि देखो ये आपका इंप्रेशन है, ये शरीर की इंप्रेशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक श्लोक में उन्होंने सुंदर बताया है कि वायु गंधा इव आशयात, इस प्रकार के आशय का मतलब एक जगह से वायु विंड हवा पवन दूसरे जगह पे गंध को ले जाते हैं, वैसे शरीर आता है और चला, शरीर को नया शब्द लेते हैं, वो साथ साथ में चलते हैं। श्लोक नंबर 14 देखेंगे, प्रसिद्ध श्लोक है, इस श्लोक को कई बार भोजन मंत्र के रूप में भी कहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः, प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम् वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर होकर, वैश्वानर क्या है, यह अपने अंदर का अग्नि है, उसका नाम है वैश्वानर। अलग अलग अग्नि के अलग अलग फायर के अलग अलग नाम होते हैं। मैं जो वैश्वानर नाम का अग्नि हूं, उसका नाम अग्नि, उसका नाम फायर, उसका नाम वैश्वानर, यह प्राणी नाम देहम आश्रितः, यह सभी प्राणियों के देह के अंदर में रहता, बॉडी के अंदर रहता। I reside in the all inside the all the bodies. फिर अहम अन्नम पचामि, मैं अन्न को उसको डाइजेस्ट करता हूं, बिकॉज ऑफ मी द अन्न डाइजेस्ट होता है। हमेशा योग वाले कहते हैं कि जब खाना खाते के समय पानी नहीं पीना, जो वैश्वानर अग्नि होते उसको पानी आ जाता। अगर वो एक दो घंटे में, एक घंटे में पूरा अन्न उसको डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद पानी पे, क्योंकि वैश्वानर अग्नि जो है वो अन्न को पचा, अन्नम पचामि। अन्न कितने प्रकार का है, चतुर्विधम, चार प्रकार का अन्न है। कुछ हम लीक करते हैं, चटनी है वो हमको उसको लीक करते हैं, कुछ चबाते हैं, कुछ को सक करते हैं कुछ अन्न को, और कुछ अन्नों को पीते हैं। तो कुछ हम लीक करते हैं, कुछ को चूसते हैं, कुछ को चबाते हैं, कुछ को पीते हैं। यह जो चार प्रकार के अन्न है, चार ही प्रकार के अन्न है, उसके अलावा पांचवा नहीं होगा। ये चार प्रकार के अन्न अहम पचामि, मैं पचाता हूं, मतलब क्या है, मैं उसको डाइजेस्ट करता हूं। कैसे करता हूं, तो मैं प्राण अपान समायुक्त, आपको पता होगा कि अपने शरीर में पांच प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान उदान समान और व्यान। सबका अपना अपना एक फंक्शन है। इसमें दो शब्दों का उपयोग किया है, प्राण और अपान। प्राण मतलब है ब्रीदिंग,
अपान मतलब है आउट, जो 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 बातें हमारे को नहीं चाहिए, वेस्टेड है, वेस्ट है, उसको बाहर जब निकालते हैं वो उसके जो शक्ति है वो अपान है, एक्सक्रीशन का, और इनसाइड का है प्राण। इसका अगर ठीक रहा, ये जो पंच प्राण हमारे ठीक रहे तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। एंड व्हेन दिस द इक्विलिब्रियम द फंक्शंस ऑफ दिस प्राण गेट्स डिस्टर्ब्ड तो बीमारी आती है, और इसलिए कहते हैं इस प्राणों को हमको फिर से रेगुलेट करना पड़ेगा। व्हेन यू रेगुलेट द प्राण, रेगुलेशन के लिए शब्द है आयाम, इसलिए शब्द आ गया प्राणायाम, जो प्राणों को रेगुलेट करता है। ये जो प्राण अपान समायुक्त उसके कारण ही मैं चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। ये श्लोक यहां क्यों आया, क्या अर्थ है उसका? तो भी परमात्मा कहता है कि आई बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नाउ ऑल द फंक्शंस विच इज इन द यूनिवर्स आर विद इन यूर सेल्फ, आई एम डूअर। केवल मैं किस रूप में करता हूं, तो मैं कहीं फायर के रूप में करूंगा, अर्थ के रूप में करूंगा, कुछ फंक्शंस में अभी करता हूं। इसलिए जो बेसिक फंक्शन है कि मैं खाना पचाता हूं, आई डाइजेस्ट द फूड, वो डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट करने वाला जो वैश्वानर अग्नि है, अहम, मैं ही वो अग्नि लेकर आता हूं। इस दुनिया में नरिशमेंट करना है आपको, दुनिया को नर्चर करना है, दुनिया को सस्टेन करना है, तो डाइजेशन की सिस्टम होनी चाहिए। जब डाइजेशन की सिस्टम होगी तो ही वो शरीर अच्छा रहता है, और जिसका डाइजेशन सिस्टम खराब है वो हमेशा गड़बड़ का रहता है। किसी एक वैद्य ने मुझे कहा था आयुर्वेद दे आर बिलोंग टू स्टमक ओनली, हम पेट के कारण 80% बीमारी हमारी होती, पता नहीं कितना सही होगा लेकिन ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए इस प्रकार से कहा है कि वी नीड टू फॉलो दैट थिंग विच इज नेसेसरी दैट अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो डाइजेशन होगा तो नरिशमेंट होगा, और डाइजेशन में हमारा पूरा शरीर सस्टेन होगा। इसे हमारे शरीर में पता होगा कि इनटेक भी चाहिए भोजन का, उसका प्रोसेसिंग भी चाहिए, और जो वेस्टेज है उसका आउट भी जाना चाहिए। यह जो प्रोसेस चलेगा तो शरीर अच्छा रहेगा। इस पूरे यूनिवर्स में भी ये जो प्रोसेस है, टेकिंग इन, डाइजेस्टिंग एंड पुटिंग आउट विच इज इन द अननेसेसरी, यह जो है यह वैश्वानर अग्नि करता है, वो मैं करता हूं। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द एंटायर यूनिवर्स इज सस्टेन। उसी को हम कहते हैं उत्पत्ति स्थिति लय डिजास्टर। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो नहीं चाहिए उसको डिस्ट्रॉय करना, नई बातें बनाना, लेना और उसको मेंटेन करना, ये तीन बातें जैसे दुनिया में होती है शरीर में भी होती है, उसका मैं अग्नि हूं। श्लोक नंबर 16, यहां से एक नया विषय शुरू करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरस्सर्वाणि भूतानि, क्षरस्सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते, कूटस्थोक्षर उच्यते। लोके, इस संसार में द्वौ पुरुषौ, दो प्रकार के पुरुष है, दो प्रकार की एंटिटी है, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब है जो पेरिशेबल, जो कभी ना कभी खत्म होता है, समाप्त होता है, और अक्षर मतलब है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। और वो कहते हैं सर्वाणि भूतानि क्षरः, ये सारा जो विश्व है, ऑल द बीइंग्स दे आर क्षर, एवरीबडी इज चेंजिंग, इवन पृथ्वी भी कभी ना कभी बदलने वाली है, सूर्य भी, उसका भी कभी ना कभी डेथ होगा,
अव्यक्त अक्षरः कूटस्थः उच्यते। ये जो कूटस्थ है, जो अंदर बैठा हुआ है, जो हम है, जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हम है, वह अक्षर है। और उसके समझाने में वो अक्षर पुरुषोत्तम करके कहते हैं, इसके कारण, इस अध्याय के कारण कहते हैं, क्योंकि उस अध्याय में ही उसको अक्षर कहा है। अक्षर मतलब है कि कभी भी वो समाप्त नहीं होगा। वह जो है वह ईश्वर है, वह जानना है। और वह कैसा है, तो वह है 17वें श्लोक में कहा है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारुतः परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः विभर्त्यव्यय ईश्वरः। ये जो अक्षर है, वो अक्षर जो ईश्वर है, उससे भी परे एक है उत्तमः पुरुषः। उससे भी परे अंडर उत्तम पुरुष का मतलब शब्द जोड़ा है, उत्तम पुरुष का मतलब पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म है। दैट इज अ ब्रह्म। आप अपने घर की कल्पना करें, एक रूम हम बैठे हैं, रूम में सारी चीजें हमको दिखती है, कबर्ड है, चीजें हैं, कपड़े हैं, किताब है, स्टूल है, फर्नीचर है, वो सारी का ऐड करें, पूरा रूम अगर हमने चीजों से भर दिया एवरीथिंग, फिर भी आपको पता चलेगा उस रूम में थोड़ी जगह रहेगी कि जहां कुछ ना कुछ रख सकते हैं। ऐसा कोई रूम रखे हमने या ग्लास रखा कि इसमें सारे रेती सैंड भर दिया, उस सैंड भरने के बाद में भी लगा कि वहां कुछ ना कुछ जगह है। ऐसा किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक ग्लास लिया और उसमें पत्थर डाले, ऑल द स्टोन्स डाले, और जब तक पूरे स्टोन चले गए कहा कि देयर इज नो स्पेस फॉर न्यू रॉक्स, कोई बात नहीं, फिर उसके ऊपर उन्होंने छोटे 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 स्नो डाले, स्टोन डाले, तो ध्यान में आ गया कि और वहां जगह थी, वहां चले गए और बारीक मिट्टी के जो होते वो डाले, वो भी फिर से भर गए, फिर भी जगह थी, फिर सैंड डाला, रेती डाली, फिर भी जगह थी। अब गुरु ने पूछा, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, फिर उस पर गुरु ने पानी डाला तो पानी भी वहां जलने लगा। ध्यान में आ गया कि पानी भी वहां रह गया, पानी भी उसमें आ गया। अब गुरु ने कहा, अब उसमें कुछ जा सकता है क्या, अभी कुछ नहीं जा सकता, अभी जो डालोगे तो स्पिल ओवर होगा। तो गुरु ने कहा, इसमें पानी में बीच में जो एटम्स है उसमें स्पेस है कि नहीं, मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में सारी जो बातें हैं होने के बाद भी देयर इज समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड पुरुषोत्तम, दैट इज समथिंग विच इज और एवरीवेयर इन एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम जो है, वह जो स्पेस है, वह चीज अक्षर है, that is the imperishable, and other than that one everything is perishable, everything is changing. So Bhagavad Gita kehti hai, you concentrate on that avyakta, that thing which is imperishable, because we know that we always value the which is permanent and we give the less value to the impermanent, jo temporary hai. Usi prakar se इसमें भी जो परमानेंट है उसको ज्यादा वैल्यू दीजिए, जो इम्परमानेंट है उसको कम वैल्यू दीजिए। अपना जो सुंदरता है वो कितनी पेरिशेबल है, कितना समय रहेगी, बहुत कम, कम वैल्यू दो। लेकिन जो मन होगा वो ज्यादा समय रहेगा, मोर वैल्यू दो। तो जो 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 जल्दी खत्म होगा, जल्दी चेंज होगा, उसके लिए कम ध्यान, जो ज्यादा समय रहेगा उसके लिए ज्यादा ध्यान, जो परमानेंट रहेगा उसी की चिंता, उसी पर पूरा ध्यान। यह उस श्लोक का अर्थ है कि उत्तम पुरुषः त्वन्यः परमात्मा इति उदा, उसी को परमात्मा कहते हैं। वह यह
लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, ग्लास का उदाहरण दिया, ये तीनों लोकों में अंदर जाकर भी वो आगे रहता है, वो कुछ बचता है, समथिंग इज देयर, उसको हमको पहचान। श्लोक नंबर 18, यस्मात् क्षरमति तो हम, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अक्षरम अतीतः, जिससे वो जो अक्षर है इम्पेरिशेबल है वह भी आगे है, इतनी सटलिटी उपयोग किया है। जैसे अभी एटम को स्प्लिट करते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं और कुछ मिलता है, करते 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 अभी बोसॉन पार्टिकल निकाला, और अभी वो कहते हैं कि इसके आगे स्प्लिट नहीं होगा एटम का, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, कोशिश करने के बाद में और कुछ आगे मिलेगा, इसलिए उससे भी बियॉन्ड क्या है, उससे भी आगे क्या है वह ढूंढना चाहिए। जो बियॉन्ड होता है उसका नाम है उत्तम, इसलिए अतः, इसलिए लोके समाज में लोगों में वेदे इन द वेद वेदों में पुरुषोत्तम प्रथितः, प्रथित मतलब है कहा है, उसको पुरुषोत्तम कहा है। इस पूरा जो चैप्टर है वह चैप्टर कुछ नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रह्म है, तो ही बात है कि व्हेन इफ यू अंडरस्टैंड इट देन यू कैन डील विथ इट, जब हम समझते हैं तो ही उससे काम करवा सकते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में केवल दो बातें बताई है कि क्षर क्या है, दुनिया क्या है, और तुम कौन, और आप जो हो वो इतने एटर्नल हो, हमेशा इम्पेरिशेबल हो, अव्यय हो, बाकी सारी दुनिया ये अक्षर है, सॉरी क्षर है। आपको ध्यान में आएगा ये पढ़ने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आता है अपने जीवन को कि अरे जिसके लिए मैं मरता था वो सारा पेरिशेबल है, और जिसके लिए मुझे मरना चाहिए, जिसके लिए मुझे काम सोचना चाहिए, वो तो दूर रह गया। फिर हमारा ध्यान धीरे 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 जो पेरिशेबल थिंग्स है उससे कम होता है, जो इम्पेरिशेबल थिंग है उसमें बढ़ता है। फिर मैं बिजनेस भी करूंगा, काम भी करूंगा, घर का भी काम करूंगा, मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा, मुझे टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ में आया है कि इम्पेरिशेबल कौन है और पेरिशेबल कौन। और इसलिए ऑलवेज कीपिंग द डायरेक्शन, कीपिंग द आई ऑन द इम्पेरिशेबल, यही उसका इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें जिसको ध्यान में आ गई उसको गीता समझ में आ गई। दुनिया में जहां हम आंखों से देखेंगे आजू बाजू में, तो ध्यान में आ गया कि सबका अपना अपना लाइफ है। जैसे अगर हम अपने किचन में जाएंगे तो वहां दिखेगा आपको बनाना, तो आप बोलोगे ये दो दिन रहने वाला है। वहां मिलेगा एप्पल तो आप बोलोगे ये चार दिन रहेगा। वहां मिलेगा कुछ सब्जी मिलेगी, अब ये सात दिन पक्के रहेंगे। आलू मिलेंगे, पोटैटोस, ये छह महीना रहेंगे। वहां मिलेगा किचन मिलेगा, हम कहेंगे हाँ ये 20 ईयर्स रहेगा। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हर एक को अपना लाइफ देना मिलेगा। फिर तो आप देखोगे अर्थ की तरफ, कहोगे हाँ ये कुछ एक 5 मिलियन ईयर रहने वाली है, लेकिन उसके बाद जाने वाली। Everything is going, everything is changing, everything is ksharaha. कौन है जो ये सब देख रहा है? वो अक्षर है, क्योंकि वो कॉमन है। वो 2 घंटे के बाद के, 2 दिन के बाद के बनाना को भी देखेगी और 2 मिलियन ईयर्स के बाद में पृथ्वी को भी देखेगी, उसके लिए वो सेम है। यह समझना यानी परमात्मा को समझना है, यह समझना यानी ब्रह्म को समझना है। यह जो शास्त्र है यह सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र है, यह श्लोक नंबर 20 में कहते हैं।
इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नख, इदमुक्तं मया नख, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत। इति यह गुह्यतमम, गुह्यनम देखा था सीक्रेट, गुह्यतम द मोस्ट सीक्रेट, ऐसा यह साइंस शास्त्र, इदम उक्तम मैंने आपको बताया है, मैंने आपको कहा है, एतत् बुद्ध्वा यह जानकर बुद्धिमान स्यात्, आप बुद्धिमान होंगे। तो जो इस जानता है उसी को हम बुद्धिमान कहेंगे, जो जिसको ज्यादा डिग्री प्राप्त हुई है, पीएचडी मिला है, डॉक्टर है, फर्स्ट आया, वो बुद्धिमान नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन के ऊपर है। यह जो जानता है वह बुद्धिमान है। स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, ऐसा जो होगा वह फिर कृतकृत्य इस प्रकार से होगा, मतलब उसकी सारी जो ड्यूटीज है वह अकम्प्लिश हुई है। कृतकृत्य का मतलब होता है Completely satisfied by the actions, अपने कामों से जो समाधानी होता है, संतुष्ट होता है, उसका नाम है कृतकृत्य। यह व्यक्ति वह होता है। इसलिए इस अध्याय को हम अच्छे से गहराई से देखें। पहले तीन श्लोकों में पूरे दुनिया का वर्णन है, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, और उसके लिए मैंने मेटाफोर उदाहरण का उपयोग किया है, यह अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी कल्पना अपने बृहदारण्यक उपनिषद में छांदोग्य में आती है, वहां से पिकअप करके कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह वृक्ष, ये यार ये जीवन, ये संसार, ये वृक्ष है। वर्णन किया उसकी रूट्स कहाँ है, उसकी शाखाएं कहाँ होगी, थोड़ा वर्णन किया। और दूसरा कहा कि अक्षर को पहचानना जो पुरुषोत्तम है, जो अव्यय है, जो हम कभी भी मरता नहीं। So, यह समझना यह गुह्यतम शास्त्र है, ऐसा कहकर इस अध्याय को पूरा करते हैं। हमारे लिए क्या महत्व है इस अध्याय से? हम जब भी संघ का या कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक रोल है, मुझे, मैं मुख्य शिक्षक हूँ, कार्यवाह हूँ, बौद्धिक प्रमुख, मेरा रोल है, उसके लिए मुझे ये जीवन मिला हुआ है। फॉर्चुनेटली मैं हिंदू के रूप में मेरा जन्म हुआ है, और वो होकर हम आगे बढ़ते हैं। और यह रोल जो है, यह रोल हम करते करते जो मूल है, परमात्मा है, उसका धर्म अर्थ हम कहते हैं, उसको कर, उसके लिए हम काम, वो हमारा फोकस है। बाकी सारी बातें बदलेगी, गणवेश बदलेगा, आचार विभाग बदलेगा, प्रणाम बदलेगा, प्रार्थना बदलेगी, एकात्मता मंत्र बदलेगा, कार्यक्रम बदलेंगे, सारा अक्षर क्या नहीं बदलेगा, तो वो जो ध्येय है, उत्तम है, वह नहीं बदले। इसलिए आज जो होगा वो कल बदल जाएगा, यही नहीं कि यही रहेगा, हमेशा रहेगा, बदलते रहेगा। इसलिए क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, इसका जिसको डिस्क्रिमिनेशन आता है, डिफरेंसेस आता है, वह अच्छे से काम कर सकता है। नहीं तो कभी कभी हम जो बदलता है उसी को पकड़ के बैठेंगे, और जो नहीं बदलता उसको छोड़ देंगे, या वो बदलते हैं, हमेशा बदलते रहेगा, बदलते बदलते जो बदलता नहीं है उसको भी बदलेंगे, हमारा ध्येय बदल देंगे। यह न हो, इसलिए ये पुरुषोत्तम योग में दोनों के बारे में कहा है, क्षरः अक्षरः, इस प्रकार की बात। यहां रुकेंगे हम, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो या रिफ्लेक्शन देना हो तो कह सकते। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते मीना जी। मेरा प्रश्न ये था कि आपने बोला आठवें श्लोक में कि जब कोई एनी बीइंग व्हेन ही डाइज द आत्मा एग्जिट्स द बॉडी, सो आत्मा जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर, आपने बोला सूक्ष्म शरीर में,
तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है, लाइक उसका जो कर्म जो है वो कैसे इट इज कैरीड टू एन अदर बॉडी, तो कर्म के ऊपर ही अदर बॉडी इट टेक्स, तो कर्म क्या, कर्म कैसे वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है और कैसे जाता है। एक तो क्या है कि हम दिखा नहीं सकते सूक्ष्म शरीर को, बता नहीं सकते हैं, कहां ऐसे है कि जो मन बुद्धि है और मन का एक फैकल्टी होती है वो है स्मृति यानी मेमोरी, और मन बुद्धि यह जुड़ी होती है इकट्ठा, और उसका और ये जो मन बुद्धि है यह मन बुद्धि साथ में चल जाती है क्योंकि इट इज सो अटैच टू दी दिस आत्मा, वेरी मच अटैच्ड। मतलब क्या है कि कल्पना है कि मन बुद्धि लेकर मैं अगर आगे जाता हूं, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल का कि जब नींद में से उठते हैं तो कल का जो मेमोरी है वो तो आपको याद रही ना, उसी प्रकार से मेमोरी याद रहती है। वो आदमी चला गया, सामने का आदमी चला गया, लेकिन साथ में क्या रहा, साथ में मेमोरी साथ में रही। जो मेमोरी होती है वो ज्यादा अटैच होती है, वह आगे आगे चलती है। ये जो हमारा मृत्यु हम बोलते ना, जिसको हम डेथ बोलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जैसे रोज की नींद से बाहर निकलते वैसे ही वो है, केवल रोज की नींद से बाहर निकलते हम, सुबह उठते हैं तो दिखता है बाहर आजू बाजू में दिखता है कि वही सारी चीजें थी मेमोरी की, उसके बाद में दिखता है लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि हम छोटे हो जाते, बॉडी बदल जाती है। इसलिए डेथ के बाद, डेथ नॉट नॉट इम्पोर्टेंट, बड़ी चीज नहीं है वह, और दूसरा ना वो भी बड़ी चीज नहीं। तो कैरी फॉरवर्ड मतलब है कुछ नहीं होता है, केवल हम ही रहते हैं, जस्ट दीज थिंग्स रिमेन। उदाहरण क्या बताया है, एक दो घड़े लेंगे, दो पॉट्स, टू पॉट्स, वो पॉट को बंद करके रखना कई दिनों कई वर्ष, उसके बाद में उसको तोड़ देना। वो पॉट को तोड़ने के बाद में क्या हुआ, पॉट खाली था, उसके अंदर स्पेस थी, लेकिन बंद रहने के कारण वो जो मिट्टी थी पॉट की उसके कुछ गुण उसमें स्पेस में चले गए, और टूटने के कारण क्या हुआ, उसी की जो कुछ डर्ट था, डर्टी था, जो सॉइल पार्टिकल थे वो हवा में घूमते गए। अभी पॉट नहीं बचा, वो हवा में चले, उसके पार्ट ऑफ स्पेस बन गए, वो धीरे 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 कम होते होते डिसअपियर हो गए। जैसे हम देखा होगा का फैक्ट्री का जो चिमनी होता है ना, तो चिमनी में से धुआं निकलता है और धुआं धीरे 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 डिसअपियर होता है, तो जितना जितना डेंस होता है उतना उतना वो नीचे रहता है, जितना जितना हल्का होता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है। ये जो धुआं है वो सूक्ष्म शरीर है, जो नीचे जो कोयला होगा, मिट्टी होगी, मेटल होगा, उसी को प्रोसेसिंग में करते करते वो तो बाजू में चला गया, ये ऊपर जा, ये पास ऑन हो रहा है, ये सूक्ष्म शरीर। धन्यवाद। जयंती भाई आपका म्यूट है, म्यूट म्यूट अनम्यूट करें। आपको नीचे दबाना पड़ेगा शायद। हाँ हो गया अभी। हाँ तो मैं इतना ही, मेरे को ये आगे अध्याय में अपन ने देखा कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश स्वरूप है, इधर ये 18वें अध्याय में बताए अविनाशी जीवात्मा और उससे भी मैं परे हूं, तो अविनाशी जीवात्मा हम समझे वो अक्षर है, अक्षर है, और परमात्मा भी अक्षर है, वो भी अविनाशी है, तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा जो ब्रह्म है उसका जरा समझ में नहीं आया मेरे को कि मैं ही हूँ, उससे भी आगे मैं हूँ। सिंपल है, अभी जो उदाहरण दिया ना मैं, एक बर्तन, एक बॉटल है, बॉटल में स्पेस है, जो बॉटल में जो स्पेस है वो है जीवात्मा। अभी हमने बॉटल बनाई, स्पेस बनाई क्या, स्पेस नहीं बनाई। स्पेस कब थी, पहले भी थी, बाद में, अभी मानो बॉटल टूट गई, स्पेस रहेगी ना,
तो अविनाशी हो गई, ना उसका मृत्यु है ना उसका जन्म है, जन्म है। हमने बॉटल खरीदी, बॉटल बनाई, स्पेस नहीं बनाया, लेकिन जैसे बॉटल बनी वैसे उसमें स्पेस अंदर चला गया सेम टाइम। तो जैसे बॉटल बनी, हम ये नहीं बोलते कि मैं जरा 2 पाउंड की बॉटल दो और 1 पाउंड का स्पेस दो, ऐसा नहीं। बॉटल में स्पेस आ गया अंदर, और उस बॉटल टूटने के बाद में स्पेस हमेशा रहेगा। तो बॉटल के अंदर का स्पेस यह जीवात्मा, बॉटल के अंदर का स्पेस परमात्मा। केवल बॉटल से वो कन्फाइंड हो गया, वो बाहर का जो स्पेस है वह कन्फाइंड नहीं है। तो जैसे बॉटल टूट गई तो जो अंदर का स्पेस बाहर के स्पेस में विलीन हो गया, यह हो गया था, यह मर्ज हो गया। यह इतना कॉमन उसमें कल्पना है। तो बॉडी या बॉटल है, और ये जो बॉटल टूट गई, बॉडी खत्म हो गई, तो अंदर की जो स्पेस है, जो मैं हूं, वो जो स्पेस बाहर के स्पेस में मिल जाएगी। नमस्कार 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 जी, बोलिए। हाँ, वो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यज्ञ का श्लोक हमने किया, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसमें पहले शरीर को क्षेत्र किया और क्षेत्रज्ञ उसके अलग, तो इसमें और उसमें बहुत फर्क नहीं दिखाई दिया। हाँ, बढ़िया प्रश्न पूछा। पर कुछ नहीं है, केवल वो जो शब्द है जिन्य, वह इंपॉर्टेंट है। जिन्य का अर्थ होता है जानने वाला। उस 13वें अध्याय में जो कहा, वो कहता है कि यह मैं उसको जानता हूं। यहां कहा है कि मैं अक्षर हूं, इतना ही फर्क है। जो क्षर है यह, वहां उन्होंने क्या कहा है कि फील्ड और फील्ड को जानने वाला, इसकी तुलना हाँ। इसके बारे में बताया, ठीक है। उसने यूनिवर्स को अलग लेवल में बताया, समथिंग इज पेरिशेबल समथिंग इज इम्पेरिशेबल, कहने का ढंग। जैसे उदाहरण के रूप में कहेंगे कि ये अगर हम इस रूम में बैठे हुए हैं, हम कहेंगे कि मुझे फर्नीचर और नॉन फर्नीचर ये बताओ, तो हम बता देंगे कि ये सारा फर्नीचर है, 1 2 3 4 5, ये नॉन फर्नीचर है, ये 2 भाग हो गए। अभी क्या हम उस समय क्या कहा 13 में, फर्नीचर को जानने वाला और नॉन जानने वाला जो होगा उसके बारे में। इसलिए क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जानना यह उसमें इंपॉर्टेंट है। यहां उसको केवल डिफरेंशिएशन किया है, पेरिशेबल इम्पेरिशेबल। ओके, ठीक है, बहुत डिफरेंट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। हाँ, जो क्षेत्रज्ञ होगा वही क्षेत्र, वही क्षेत्र, जो अक्षर होगा वही क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र है वह अक्षर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बढ़िया, ठीक है। अभी अगला जो अध्याय होगा वो अध्याय हमारे लिए बहुत नजदीक का, और हमें लगेगा कि हमारे जैसा ही अध्याय, हमारे लिए अध्याय बनाया हुआ है, ऐसा वो अध्याय 16वां अध्याय है, उसको हम सोमवार को देखेंगे। नमस्कार इशिका जी, कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे सोमवार को। प्रणाम।